कि हमारी होती है हरे मसाले की, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास चावल होता है एक लंबा। एक तो देखो तो दालचीनी, लौंग, इलायची जो सब होता है, हरे मसाला मकसद है, हरी मिर्चें, कटर मिर्चें जिनमें मैं बंदा खाए तो सीने उसको वादे में नजर आएगा हरे मसाला, टमाटर, हर चीज़ हमारा। इसलिए सबसे बड़ी फेमस पुलाव, बिरयानी, कहीं भी आप जाएँ सिंगल प्लेट में पेट नहीं भरता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेट ये देखें, एक प्लेट हमारी ये जी जी सब बड़ी सस्ती है। हमारे पास ये 250 रुपये की प्राइस है इसकी जी। इसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से जैसी बरकत होती है। अरे मसाले वाली बिरयानी होती है ये देखें भाई। बेसिकली जो बताने का मकसद है, ये जो मसाला है ना, इसका ये लोग कहते हैं कि भाई इसका होता है जी सारा खेल। दो चिकन नॉर्मल करो यार, दो सादा मसाला, चिकन नहीं नॉर्मल मसाला। भाई ये रश आपको जो नज़र आ रहा है ये है गुलशन के फेमस अल फरीद पकवान के लिए। और गुलशन में हमने एक दो जगह की और भी वीडियोस बनाई थी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा है। और लोगों ने कहा था कि भाई फरीद पकवान की बिरयानी लाजमी ट्राई करें। चिकन बिरयानी इनकी सबसे ज़्यादा चलती है, लेकिन कहते हैं कि भाई बीफ पुलाव भी इनका अच्छा होता है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर चिकन बिरयानी और बीफ पुलाव ट्राई करेंगे, साथ में इनके पास हलीम भी होता है। लेकिन माशाल्लाह बिरयानी की कटिंग में देख रहा हूँ कि भाई बिरयानी जो है लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि अंदर जो लोग खा रहे हैं वो भी बिरयानी खा के जा रहे हैं। तो भाई कराची में बिरयानी का क्रेज़ यार कभी भी ख़त्म शायद ही नहीं होने वाला, और पुलाव जो है बिरयानी से नहीं जीत सकता, ये बात तो है। तो ज़रा इनकी बिरयानी ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या सीन है। चार साथी पीआईपी करके शॉट होने वाला है। क्या बात है भाई, मेरे को कहना चाह रहे हैं बुराई है। पुलाव अलग टाइट रहा है। हाँ हाँ पुलाव सादा है, सादा लगाओ भाई, भाई का सादा लगाओ यार। सर माशाल्लाह से बड़ा रश लगा हुआ है अल फरीद पे। तो यार कौन सी किस्म की बिरयानी होती है जो माशाल्लाह गुलशन वाले इतना शौक से आ रहे हैं खाने? सर सबसे बड़ी बात तो है कि माशाल्लाह अल्लाह का एहसान, अल्लाह का बड़े अल्लाह के नवाजी से, ठीक है। दूसरी बात कि हमारी होती है हरे मसाले की, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास चावल होता है एक लंबा। सर अल्हम्दुलिल्लाह हरे मसाले का मकसद होता है हरा मसाला। एक तो देखो तो दालचीनी, लौंग, इलायची जो सब होता है, हरे मसाला मकसद है, हरी मिर्चें, कटर मिर्चें जिनमें मैं बंदा खाए तो सीने उसको वादे में नजर आएगा हरे मसाला, टमाटर, हर चीज़ हमारा। इसलिए सबसे बड़ी फेमस पुलाव, बिरयानी, हलीम। इस ब्रांच को 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर चलने को तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलीम, बिरयानी, पुलाव तीनों चीज़ें हमारी लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल। हम नहीं कहेंगे ना अपने मुँह से अपनी तारीफ करना बेकार है, ठीक है। सर फिर हमें सर आप आए चेक करें, ट्राई करें, यहाँ आपको हर चीज़ का बेनिफिट दिया गया। हमारे माशाल्लाह इमरान भाई हमारे ओनर ने, आपको पता है इस महंगाई के दौर के अंदर कहीं भी आप जाएँ सिंगल प्लेट में पेट नहीं भरता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेट ये देखें, एक प्लेट हमारी ये प्लेट है जी जी सब बड़ी सस्ती है। हमारे पास ये 250 रुपये की प्राइस है इसकी जी। इसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से जैसी बरकत होती है। दूसरी बात ये कि एक प्लेट में हमारा जो वेट होता है ना वो हमारा अनलिमिटेड है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें इतनी है कि माशाल्लाह। और हमारी प्लेट में किलो के हिसाब से, हमारा आधे किलो के हिसाब से नहीं, हमारी प्लेट बाई प्लेट के हिसाब है। 250 की प्लेट है हमारी, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी पसंद से जो भी रिक्वायरमेंट है, मसाला स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, सीना, लेग, जो भी आपको अगर पॉसिबल जो चीज़ कस्टमर है ना हमारे पास, कस्टमर के लिए बड़ा बेनिफिट है। लोकेशन आप देखें, अगर नॉर्थ कराची से आ रहे हैं तो आप गुलशन चुरंगी लेके सीधा आए डिस्को बेकरी, डिस्को बेकरी से आप सीधा वो रोड लेके मस्कन की तरफ आ जाए, आपको रोड के ऊपर ब्लैक 7 सामने अल फरीद पकवान सेंटर हमारा बिल्कुल। भाई ये देखिए ये आ गई है माशाल्लाह भाई, उस्ताद अभी अभी नई नई देख लगी है ना ये, क्या बात है भाई, फ्रेश आ गई भाई। देखिए चिकन देखें, फुल मसालेदार चावल हो रहे। उस्ताद बना दो यार, आज के बाद हमारी भी प्लेट बना दो यार। फिर एक हमारी बिरयानी है भाई, और एक साथ में भाई पुलाव हमने बोल दिया। अरे भाई तो ये भाई बना रहे हैं एक हमारी प्लेट, ये देखें, ये भाई, ये देखें भाई, ये हमारी प्लेट तैयार हो रही है भाई। भाई चावल तो माशाल्लाह अच्छा लगा। हाँ मसाला फुल भाई कराची स्टाइल वाला, फुल कराची स्टाइल वाला जो आवाम पसंद करती है वो वाला। अरे वाह, अच्छा ये साइड पे अलग से लगा के देते हैं मसाला। वाह भाई वाह। तो भाई बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम, पुलाव भी हमारा आ चुका है, बिरयानी भी हमारी आ चुकी है। वैसे इनके पास हलीम भी होता है जैसे मैंने आपको बताया,
लेकिन हमारा जरा बिरयानी पे फोकस था। दो तीन वीडियोस हम गुलशन में भी कर चुके हैं तो लोग कह रहे थे कि भाई अलफरीद भी आप ट्राई करें, अलफरीद का पुलाव बड़ा अच्छा होता है। पुलाव की तारीफ आई थी, बिरयानी लेकिन इनकी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ अगर ही पता चला कि भाई बिरयानी कटिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई देखिए ये आपको मैं दिखाता हूँ, भाई इनकी थोड़ी ये होती हरे मसाले वाली बिरयानी होती है। ये देखें भाई बेसिकली जो बताने का मकसद है, ये जो मसाला है ना, इसका ये लोग कहते हैं कि भाई इसका होता है जी सारा खेल। तो भाई पहले ज़रा मसाले मिक्स कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कैसा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नॉर्मली जो बिरयानी आपको गोल्डन वगैरह जो अक्सर जगहों पे मिल रही होती है ना, उससे इसलिए डिफरेंट है, थोड़ा सा वही स्टाइल है। साइड पे जो मसाले रखते हैं जैसे खत्री स्टाइल होता है ना, थोड़ा सा स्पाइसी हरा मसाला होता है इसमें ना। और 250 रुपए की है भाई जो प्लेट है ना इनकी। अब ये देखें भाई आपको थोड़ा लेग पीस दिखा दें भाई, ये लेग पीस इन्होंने दिया है साथ में। लेग पीस के साथ ज़रा ट्राई कर लेते हैं, मसाले लेते हैं। अभी चिकन काफ़ी फ्रेश हो रहा है भाई, हो गई बिरयानी। अब आ जाते हैं ज़रा पुलाव की तरफ। इस पुलाव की मैंने तारीफ सुनी थी, लेकिन सीन ये है कि बिरयानी हमने पहले ट्राई कर ली। भाई ये देखें इसका है बेसिकली काली मिर्चों का खेल होता है इसमें। ये देखें भाई ये थोड़ा सा मसाला, और ये आपको इनके पास आपको रसीले वाले नहीं मिलेगा, इनके पास थोड़ा सूखा चावल होगा, रसीली वाली बिरयानी नहीं होती बेसिकली इनके पास। तो ट्राई करते हैं भाई ज़रा, बिस्मिल्लाह पहले चावल हो जाए। बिरयानी से बेहतर पुलाव जो है वो बिरयानी से बेहतर है काफ़ी। ज़रा बोटी से खा लेते हैं भाई, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बीफ की, 330 रुपए की प्लेट है भाई। बीफ आपको पता है चिकन से ज़्यादा एक्सपेंसिव ही होती है भाई। बिस्मिल्लाह करते हैं बोटी के साथ। देखिए दोनों चीज़ों में अगर रेट करने के लिए कहेंगे ना, मैं पुलाव को ज़्यादा बेहतर रेट करूँगा। थोड़ा काली मिर्चों का है इसमें मसाला सही है, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बिरयानी थोड़ी आप हरे मसाले खाओगे एकदम आपको स्पाइसी लगेगी, ठीक ठाक वाली स्पाइसी लगेगी। बाकी ये कि हलीम हमने यहाँ का ट्राई नहीं किया। पकवान सेंटर इनका जो है 3-4 दुकानें छोड़ के आगे ही है, वहाँ पर फ्रेश समय लेके देगों की कटिंग जो है ना, तकरीबन 20-25 मिनट के बाद जो है देख लग रही है। अब मसाला लग गया भाई जाकर। भाई लोकेशन इसकी बड़ी आसान है, मेन मस्कन चौरंगी से जैसे आप गुलशन की तरफ आएंगे, आपकी राइट साइड पे अलफरीद पकवान पड़ेगा। आए यहाँ पर आकर आप इनका ये पुलाव और बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की है, ये वो जो नॉर्मली आपको बिरयानी और पुलाव मिलते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। हो सकता है शायद आपको पसंद ना आए, हो सकता है आए भी पसंद, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं माशाल्लाह, आ रहे हैं खा के जा रहे हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के जो बैक गेट है मस्कन गेट लगता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर और खा कर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।